Okay, so, uh, uh, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में लोग बात करने मोस्ट मोस्ट प्यर टीम्स राइट नाउ एक तरीके से क्योंकि वो कंसिस्टेंट है बेसिकली अगर शॉर्ट आंसर अगर आपको चाहिए तो वो है कंसिस्टेंसी बट ये कंसिस्टेंसी कैसे आती है इन सब चीजों के ऊपर हम लोग बात करना एंड टू बी ऑनेस्ट इस समय अगर फैन फेवरेट टीम्स की बात होती है उसके अंदर एग्जो ने अपनी जगह बहुत अच्छे तरीके से बनाई है मैड रिस्पेक्ट टू ऑल द प्लेयर्स जिस तरीके से लोग खेलते रहते हैं पंक फीयर स्नैक्स से इनफैक्ट बहुत अच्छे तरीके से अपने लिए गेम प्लेस बनाते हैं तो so चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड अगर आप लोग नए चैनल पर वन मिलियन सब्सक्राइबर्स का हम लोगों का गोल है गाइज आई होप कि आप लोग करवा दोगे लाइक करना सब्सक्राइब करना कमेंट सेक्शन में बताना अगली किस वीडियो की परफॉर्मेंस के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर बाढ़ लिया उस टीम के नाम की एंड Well, actually begin. Right now, आप देखेंगे कि ये वाला एक गेम था जिसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से ने अपने पॉइंट्स बटो रहे थे ये थोड़े फाइनल मोमेंट्स लाइक के अराउंड जा रहे थे बट उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से एक्जो में पता है मिल्टा के एरियाज के अराउंड ही उतरते हैं फ्लाइट पाथ ऐसा सा था तो ऑब्वियसली ये लोग यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है थोड़ा सा पीछे हमेशा से उतरते हैं नजर आए एक डिसेंट जगह से अपनी लूट जो है वो ये टीम स्टार्ट करती है वेटी सिंपल राइट एग्जो को अगर कभी भी गेम प्लेस बनाने होते हैं और गेम्स निकालने होते हैं, उनके पास दो तीन अच्छी चीजें रहती हैं। एक होता है पोजिशन पोजिशन पर यह टीम बहुत अच्छा खेलती है एंड वेल well, वो पोजिशन ये लोग हमेशा बना लेते हैं ऑल थैंक्स टू सेंसे एंड आर बोल्ड बॉल्स एंड ब्यूटिफुल हमेशा देखने को मिलते हैं बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से इनके स्प्लिट्स रहते हैं और सर्कल के भी शिप्स आप देखेंगे फार्म के अराउंड ही जा रहे हैं राइट नाउ सर्कल शिप्स आर है यहाँ पर आप सेंसे को देख सकते हो और एक्सो के बाकी प्लेयर्स को देख सकते हो सो आप देख सकते हो सेंस ऑफिस थोड़ा सा पीछे से मूव कर रहे हैं थोड़ा सा पीछे से ही आते हैं अपने प्लेयर्स के लिए एक अच्छा स्पेस बनाते हैं इसके बारे में ज्यादा बात हम लोगों ने बैटल रॉयल पॉडकास्ट में भी करी थी जिसके अंदर सेंसे को एज अ गेस्ट मैंने बुलाया था आप लोग वो भी जाकर के देख सकते हैं काफी ज्यादा अच्छे तरीके से उन्हें कॉन्वर्सेशन पूरा इस चीज़ के ऊपर किया था सो द फर्स्ट थिंग दैट द टीम वर्क्स अराउंड इज द पोजिशन जो पोजिशन पोजिशनल प्लेय इन फैक्ट ये टीम बना रही हो जहां पर बाकी टीमें कोशिश कर रही हैं सर्कल में अपनी जगह बनाने की सर्कल के अंदर घुसने की वहां पर ये टीम थोड़ा सा पीछे रहकर के भी अपनी जगह बना करके बैठी हुई है इस समय अगर एक्सो की बात करें आप देख सकते हो इनके पास सारे प्लेयर्स हैं एक वाइप इन्होंने प्रॉपर कर रखा था चार फिनिशर्स इनके पास आ रखे हैं सो काफी डिसेंट तरीके से ये लोग खेल रहे हैं एंड देन उसके बाद बात, बात आती है कि नो, किस तरीके से इनके रशेज रहते हैं कोई ज्यादा बोल्ड ऐसा चीज नहीं होता कि एकदम से रश करना है कुछ भी दे ट्राई एंड दे ट्राई एंड प्ले ऑन इन्फॉर्मेशन सोनली ग्रेट इंफॉर्मेशन टू बी ऑन यहां पर आप एक्जो को देख सकते हो थोड़ा सा पीछे की तरफ को ये प्लेयर्स नजर आ रहे हैं थोड़ा सा पीछे एंड थोड़ा सा पीछे एंड यहां से ऊपर के एरियाज देख सक रहे हैं यहां से इस घर के अराउंड प्लेयर्स को दिक्कतें देख सक रहे हैं स्मोक था स्मोक देखा स्नैक्स ने डेफिनेटली एनिमी सेट स्मो, उस स्मोक के बारे में बताया कि वहां पर प्लेयर्स और पीएस डायरेक्शन में देख लाइक इन्फॉर्मेशन है जो वो सारी दी जा रही है प्लेयर्स को एंड उसी इन्फॉर्मेशन पर खेलना होता है इस गेम के चार अलग पहलू हैं लैंडिंग राइट लूटिंग रशिंग एंड सर्वाइवल ये चार चीजें रहती हैं जो कि आपको पता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं लैंडिंग इज लाइक आपका एक ड्रॉप लोकेशन हो गया अगर फ्लाइट पास उससे दूर है तो आप कैसे लैंड करोगे आपको देखना लूटिंग इज लाइक आपकी लूट हो गई रशिंग में आता है काफी सारी सब चीजें रहती हैं जिसमें से एक हो गया कि इन्फॉर्मेशनल कि कितना इन्फो आपके पास है उसके बाद कि आप ओपोनेंट्स की वीकनेस को कैसे एक्सप्लोइ कर रहे हो कि अगर कम लोग हैं या क्या चीज और तीसरा आता है कि आपके कॉल आउट्स क्या हैं उस फास्ट रश में जब आपको पता है कभी कभी यू you नो know, एकदम से रश करना होता आपके है आपके कॉल आउट्स कैसे हैं कभी कभी मिसकम्युनिकेशन भी आपको यू you नो know, ले जाती ले है देन सर्वाइवल इज ऑब्वियसली एक बैटल रॉयल सर्वाइवल गेम है तो फिर विनर विनर सेकंड तक आपको कैसे जाना है बट रशिंग में इंफॉर्मेशन ऑपोनेंट्स की वीकनेस और आपके कॉल आउट्स कितने क्लियर हैं इसके ऊपर बात आती है इनसे इज नोन टू गिव फाइनेस्ट कॉल आउट्स इन द इंडियन सिनेरियो। के कॉल आउट्स इनफैक्ट मुझे 420 के कॉल आउट्स काफी अच्छे लगते हैं 420 ट्वेंटी आई जल्द उनके काफी ज्यादा अच्छे तरीके से कॉल आउट्स निकलते हैं सेंसर के कॉल आउट बहुत ज्यादा अच्छे तो so, yes, ये ये सब चीजें मैटर करती है यहाँ पर आप देख सकते हो पंक ऊपर चढ़ करके बैठे हो एंड ही इज रिलाइंग ऑन द इनफॉर्मेशन की मेरे सामने ओपन में बंद है राइट ये जब इफॉर्मेशन आपको मिलता है तो आप डेफिनेटली नो वो टेक डाउन करते हो एंड वही पर यहाँ पर किया गया यहाँ पर आप आ चुके कि फोर अकेले बचे राइट right? इस पूरे सिचुएशन के अंदर एंड पंक कॉन्स्टेंटली वो प्रेशर जो है वो बिल्डअप करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं वो प्रेशर उनकी तरफ से आ रहा है जहां पर पंख एक तरफ काम करे वहीं पर आप देख सकते हो इनफैक्ट इसको थोड़ा सा पीछे करता है पंख एक तरफ काम कर रहे हैं वहीं पर आप पीछे देख सकते हो कि स्नैक्स भी हैं जो वो बिट के साथ फाइट ले रहे हैं इनफैक्ट बिट के प्लेयर्स हमें दूसरी तरफ इधर की तरफ दिखाई दे रहे हैं so, सो काफी ज्यादा एक स्प्रेड आउट इन्फॉर्मेशन है जिसके ऊपर के लोग खेल रहे हैं एंड यहीं पर आप देख सकते हो पंख के थ्रोएबल्स एबल्स यहां पर स्मोक है कुछ है तो उस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये दिखाता है कि कितना ज्यादा अच्छे तरीके से ना देर ट्राइंग कि अपने ओपोनेंट्स को दबाया जाए ये होता है हर टीम के साथ रहता है कि जब भी आपके ओपोनेंट कहीं पर आपको देखेंगे उनके ऊपर आप फाइट ले सको विच इज गुड सेंसे दूसरी तरफ बिट के ऊपर आपको याद होगा स्नैक्स यहां पर दिक्कत दे रहे थे सेंसे पहुंच गए साथ के साथ ये मूव करते हो अपने ग्रेनेड्स को जो कुक किया जाता है किया जरूर जाता है वही अभी यहां पर हो रहा है एंड देन एक ग्रेनेड जाता है बिल्कुल अंदर जूसी के ऊपर फ्लैश डैमेज पड़ती थो उनको दिक्कत हो सकती है बट देन हल्का सा पड़ा बाकी काम मोरटॉप था तो एक बार के लिए ब्लॉक है बट अब आगे जाकर के प्लेयर को स्पॉट करके टेकडाउन

हम एक तो बोलते हैं प्लेसमेंट पॉइंट वो पोजिशन पर खेलना अलग रहता है पोजिशनल प्लेस होता है आपका मैप में पोजिशन अब यहां पर आप देख सकते हो ये टीम कितना ज्यादा दूर हो चुकी है एकदम से क्योंकि जोन जो है वो इन लोगों से आगे है आप पंख को ही देखो पंख फॉर इंस्टेंस 99 मीटर जोन के बाहर है जोन ऊपर की तरफ को जाने वाला है एंड दैट्स सी राइट ये जो 99 मीटर्स का फासला है इसको ऊपर की तरफ को इनको मतलब आगे की तरफ को जाना है जोन लेने के लिए ऐसे में बात आती है कितना समय बचा है चौदह सेकंड बचे हैं सर्कल के अंदर कैसे जगह बनाएंगे लोग राइट right? आपको पता है इंपॉर्टेंट है सर्कल के अंदर जगह बना नहीं बनाई तो लोग आपको टेक डाउन कर देंगे या फिर आपको जोन को अपना अपने जो फिनिश पॉइंट है वो देने पड़ेंगे सिंपल एज दैट अब यहां पर ये प्लेयर्स क्या कर रहे हैं धीरे धीरे आप देखोगे सेंसे ने एक बहुत अच्छा काम किया यहां पर स्मोक से सेंसे ने इधर स्मोक किया और खुद आगे इस डायरेक्शन में चले गए यहाँ पर एक स्मोक हो रखा है सेल्स के प्लेयर्स इधर देखना चाहते हैं कहां से प्लेयर्स आ रहे हैं बट बाकी प्लेयर्स जो कि फियर्स और स्नैक्स हैं वो तो इधर से देख रहे हैं राइट पूरी पूरी फाइट को वो पीछे से देखना चाहते हैं यहाँ पर एफ के प्लेयर्स तो स्टोर से फस गया एम एक्स पर लाइक मल्टीपल फाइट्स हो रही थी तो फिर वो प्लेयर्स कोशिश करें कि किस तरीके से वो अपनी फाइट्स ले सकते हैं ओपन एरिया फाइट्स हैं काफी ट्रिकी रहती हैं काफी मुश्किल रहती हैं खेलनी फार्म के सर्कल्स बहुत ज्यादा अच्छे सर्कल्स रहते हैं क्यों क्योंकि पहली चीज ओपन एरिया है कवर के नाम पे पेड़ है और ये शैक्स हैं ये जो वेयर हाउसेज रहते हैं ये वेयर हाउसेज अगर आपके पास हैं तो अच्छा है आपको इन्फो मिलेगी बट अगर आप ओपन एरिया में फंस गए तो ये छोटे मोटे रिजेस हल्के फुल्के पेड़ यही आपके सहारा हैं सो एक प्रॉपर बैटल रॉयल एक्सपीरियंस फार्म के एरियाज में देखने को मिलता है ये बहुत अच्छा रस्ता था जो के प्लेयर्स ने जो यहाँ पर किया था सेल्स के पहले एक प्लेयर को टेक डाउन किया रौनक अंदर आए एंड देन वो यू नो देख रहे थे किधर घूमना किधर नहीं पर humanoid, गलती उनकी थी बहुत ज्यादा ओपन में एकदम से मूव करना शुरू कर गए थे वो आप समझ जाएंगे थोड़ी देर में आई नो वट हैपन वट वेंट डाउन टू एम ह्यूमराइट को या तो कॉल रहा या तो बोला गया कि आप आगे जाइए बट देन अगेन आप समझ सकते हो दिख रहे हैं वो सीधा सामने दिख रहे हैं तो ईजी डाउन है उनके नाम का इजी डाउन है वो किया गया यहां पर

अब ये जब चीजें पता चली हैं तो अब तो बहुत इजी हो जाता है कि वो प्लेस कैसे बनाए जाते हैं क्या किया जाता है राइट दे दे हैव इट दे दे हैव दैट अंडरस्टैंडिंग सीधा आगे जाना है फाइट्स देनी है टेक डाउन करना है गाड़ियां ली जा रही हैं रिच के कवर्स दिए जा रहे हैं साइड साइड में पंक के राइट हल्का सा रिज कवर्स दिए जा रहे हैं गाड़ियां लेकर के आगे रखी जा रही है सब चीज की जा रही है ऑब्वियस ये वो तो नहीं है कि आप यहाँ पर राइट शील्ड या कुछ लगाओगे वो रोहित शील्ड का टाइम नहीं है बट जो सिचुएशन है वो ये है अब इस समय कि आप देख सकते हो एक्जो के प्लेयर्स इनफैक्ट आप प्लेयर्स को देखो वो किस डायरेक्शन में देख रहे हैं

निर्वाणा और एक और प्लेयर को टेक करके अब यहां पर एक्सो फंस सकती है राइट सो so, कितने अच्छे तरीके से आप करते हो, किसी से वो भी इंपॉर्टेंट किस, किसी फाइट से वो भी इंपॉर्टेंट होता है।, मींस, है उनके लिए कवर बना करके पहले तो इमिनियंट इमिन थ्रेड जो रहते हैं सामने यहाँ पर एक प्लेयर था उसको नॉक किया फिनिश किया लाइक पंक के प्ले पे फियर्स ने प्ले बनाया इधर वाले एक प्लेयर को नॉक एंड फिनिश करके और फिर इंस्टेंटली रिवाइव करने गए

अपने अपनी कम्युनिकेशन रखते हैं अपने पोजिशनल प्लेस बनाते हैं अपना सर्कल के अराउंड एक बहुत अच्छी रोटेशन दिखाते हैं एवरीथिंग जस्ट कम्स डाउन एंड वेल द टीम जस्ट नो नोज हाउ टू गेट इट फॉर दमसेल्स अमेजिंग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना दोस्तों को Uh, uh, the सर्दाज, गए uh, well, काफी अच्छे तरीके से, ये को वहाँ पर काफी अच्छे तरीके से लोग भी अपना काम करें एंड वेल well, आप लोग भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताना और किस टीम के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं And, uh,